आज का वरदान एक क्षमा के पीछे परवाने बन फिदा होने वाले कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्मा भव। आइए इस वरदान का स्वरूप बने। ओम शांति। मस्तक के मध्य अपने सत्य स्वरूप को अनुभव करें। ज्योति हूं मैं, प्रकाश पुंज हूं मैं। इन पंच तत्वों की सृष्टि से बिल्कुल अलग, अदृश्य, सूक्ष्म अति सूक्ष्म बिंदु हूं मैं। ये मेरा स्वरूप बिल्कुल मेरे सत्य पिता के समान है। जो मेरा मात पिता बंधु सखा शिक्षक सद्गुरु के साथ मेरा साजन भी है। वो साजन जिसे मैं आत्मा सजनी बन जन्म जन्मांतर से पुकार रही थी, बाबा वो क्षमा है जिस पर सब कुछ बलिहार जाने के लिए मैं आत्मा परवाना बन आधा कल्प से इंतजार कर रहे थे कि कब क्षमा आए। और मैं अपना सब कुछ अस्तित्व सहित उस पर वारी जाओ मर जाओ अनुभव करते जाए। इस आंतरिक आकर्षण को बाबा के प्रति अपने गहरे
प्रेम को। इस सच्चे प्यार के लिए कुछ भी कुर्बान करना कठिन नहीं है। प्यार के सागर की इन गहरी अनुभूतियों के लिए मैं देह और दुनिया क्षण भर में छोड़ सकती हूं। ये ईश्वरीय अनुभूतियां अतीन्द्रिय सुख प्रदान करती हैं। जो मैं पुराने संस्कार पुराने स्वभाव सब कुछ इस दुनिया का परिवर्तन कर सकती हूँ। फील करें बाबा के साथ मेरा ये अविनाशी संबंध एक जन्म का नहीं कल्प कल्पांतर का है। संगम युग की वो श्रेष्ठ घड़ी जब मैंने बाबा को पहचाना उसी घड़ी से मुझे कल्प पहले वाली स्मृति इमर्ज हो गई थी। और मैं परवाना बन क्षमा पर फिदा होने के लिए तैयार हो गई थी। और अब ये प्रेम दिनों दिन इतना गहरा हो गया है जो इस लगन की अगन में मैं पूर्ण रीति स्वयं को अपने उस झूठे अस्तित्व को भस्म कर चुकी हूं। ये नया जन्म है संगम युग का परिवर्तित नवीन स्वरूप। दिव्य स्वरूप है। महसूस करें
इस सर्वश्रेष्ठ भाग्य को। जो संपूर्ण विश्व में मुझ कोटों में कोई कोई में भी कोई आत्मा को